तेतुलमारी थाना क्षेत्र के पीएसपी मैदान की रहने वाली सैकड़ों महिलाएं लोन दिलाने के नाम पर ठगी का शिकार हुई हैं। पीड़ित महिलाओं ने तेतुलमारी थाना में लिखित शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित महिलाओं ने कहा कि पीएसपी मैदान के रहने वाली अनीता देवी और उसके पति मनोज गुप्ता समेत अन्य साथी करोड़ों रुपये की लोन की राशि लेकर फरार हो गए हैं। ठगी का शिकार हुई महिलाएं मामले की शिकायत तेतुलमारी पुलिस से की है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। लोग इसलिए आए हैं कि अनीता देवी पैसा लेकर सबसे भाग गई है, 420 वाला काम की है, बोली कि बेटी का शादी कर रहे, बेटी गिरिडीह का लड़का साथ भाग रही थी, तो हम लोग पैर आकर रोने लगी कि पैसा दे दो, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। प्राइवेट आदमी थे, हम लोग इसीलिए दिए। अब बिना साइन को भी लेकर चली गई है, 1-1 लाख, 2-2 लाख, मेरा नाम से 2 लाख लेकर चली गई है बिना साइन का। कहाँ से पैसा आप लोग मिलता था? आप लोग समस्ता आशीर्वाद जीवन मित्र फाइनेंसिंग लोन द्वारा, हाँ लोन द्वारा प्राइवेट कंपनी से। और आज एजेंट हम लोग के पास आता है, बोलता है पैसा नहीं देगी तो तुम्हारा नाम से बच्चा का कभी नौकरी नहीं होगा, और स्कूल में भी मतलब कुछ बनना चाहेगा तो कभी नहीं बन सकता है, उसका लाल दाग लग जाएगा तो कभी नहीं, मतलब तुम लोग का कुछ होगा भविष्य में, लाल ये ओडी भी लगेगा और राशन कार्ड भी कभी नहीं मिलेगा, राशन कार्ड के अनुसार से कुछ भी नहीं मिलेगा, आधार कार्ड भी बंद कर देंगे। हम लोग कुछ पता नहीं था, एक दूसरे को कुछ नहीं था, अब हम लोग को पता चला, एजेंट हम लोग के द्वारे पास गया इसके लिए पता चला, तब अनीता देवी के पास गए उसके बाद पता चला। मेरे साथ घटना घटी है कि हम लोग को बहका बोला के धोखा से पैसा ले लिया सर, कि बेटी का अनीता देवी मनोज गुप्ता घर में आके हमसे गोड़ पड़ा कि सर हमको पैसा दे दो दीदी, हम भागेंगे नहीं, मेरा यहाँ सारा अपना जमीन, अपना घर, अपना डेकोरेशन है, मेरा दूध का टेम्पू है, कहाँ भागेंगे, हमको दे दीजिए पैसा, बेटी को सगाई करना है। कहाँ से पैसा लाते हम कंपनी से पैसा उठाएं, जनलक्ष्मी से, उज्जीवन कंपनी से, समस्ता से, और हमसे वो पैसा ले लिया। हम जानते नहीं थे ग्रुप में कि मतलब हम लोग इतना लेडीज़ का उपूर्वक बना रही है। कंपनी भी जाना था तो पहले ग्रुप से पैसा मिलता था सर, पहले सर बोलते थे कि 12 लेडीज़ का ग्रुप बनाइए तो ग्रुप से पैसा उठाते थे। हम ये कारोबार 10 साल से कर रहे हैं और 10 साल से करते करते ये एक एक व्यक्ति को पैसा उठा उठा करके रखने लगी, और एक हम लोग एक दूसरे से मिले नहीं, ऐसे ऐसे में सबको बुर्बक बना के घर घर से ले जा के ले ली।